हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते देश में सभी शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों के लिए बंद हैं। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे, अर्थात जैसे ही विद्यालय में बच्चों का आगमन होगा, तो हमें शिक्षण कार्य भी करना है। हम जो शिक्षण कार्य करेंगे वो हमें शिक्षण योजना के अनुसार करना है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हो चुका है और मिशन प्रेरणा में इसी बात पर जोर दिया गया है कि हमें इस बार जो शिक्षण कार्य करना है वो शिक्षण योजना के अनुसार करना है। दोस्तों, पहले हम पाठ योजना बनाते थे, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। अब हमें शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाठ योजना व शिक्षण योजना में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आपको तीनों मॉड्यूल मिल चुके होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे। जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें शिक्षण योजना बनाने के तरीके बताए गए हैं और उसमें प्रारूप भी दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पाठ योजना और शिक्षण योजना दोनों में क्या अंतर है। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका प्रारूप भी बताऊंगा कि कैसे शिक्षण योजना बनानी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। जो वीडियो मैं बनाता हूँ इनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिस पर मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा। आप चाहें तो लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि पाठ योजना व शिक्षण योजना में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण योजना क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उसने उस योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध न किया हो। दोस्तों, जब हम क्लास में जाते हैं तो हम पहले से ही अपने माइंड में सेट करके रखते हैं कि आज हमें इस क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है और इसको इस तरह से पढ़ाना है। भले ही हमको कोई फॉर्मेट ना मिला हो इसका, लेकिन हमारे मन में जरूर होता है कि आज हमें ये पढ़ाना है। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को एक निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो इसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। पाठ योजना व शिक्षण योजना में अंतर। बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक हम लोग पाठ योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते थे, परंतु अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण योजना बनाकर कक्षा शिक्षण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शिक्षण योजना पाठ योजना से किस प्रकार से भिन्न होती है। पाठ योजना और शिक्षण योजना। पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, जबकि शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। नंबर दो, पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाई, पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, जबकि शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग के लिए बनाई जाती है।
इसका जो तीसरा अंतर है, इस प्रकार एक संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जबकि शिक्षण योजना में पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। किसी पाठ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं और सभी के लर्निंग आउटकम्स अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए पाठ योजना और शिक्षण योजना में ये तीन मुख्य अंतर बताए गए हैं। पाठ योजना का प्रारूप, इसमें नंबर एक पर सामान्य सूचना होती थी, नंबर दो पर सामान्य उद्देश्य, नंबर तीन पर विशिष्ट उद्देश्य और नंबर चार पर शिक्षण सहायक सामग्री कि हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं हमारे पास क्या उसमें सहायक सामग्री है, नंबर पाँच पूर्व ज्ञान, नंबर छः प्रस्तावना, नंबर सात प्रस्तुतिकरण, नंबर आठ बोध प्रश्न, नंबर नौ श्यामपट कार्य, नंबर दस मूल्यांकन और नंबर ग्यारह गृह कार्य। तो पाठ योजना का जो प्रारूप होते था इसमें 11 पॉइंट होते थे। अब शिक्षण योजना के देखते हैं, जो शिक्षण योजना का प्रारूप है इसमें सामान्य सूचना हो गई, फिर लर्निंग आउटकम लिखेंगे कि हमें बच्चों को जो पढ़ाना है उसके लर्निंग आउटकम कौन कौन से होंगे, फिर पाठ का नाम और उसमें जो प्रकरण है उसका नाम, सीखने सिखाने की सामग्री, हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो हम क्या क्या साथ में जो सहायक सामग्री है वो क्या यूज़ करने वाले हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधियां, तो इसमें ये देना है कि हम पाठ को जो पढ़ाएंगे उसमें किस तरह की गतिविधियां कराएंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया कराएंगे, कौन सी गतिविधियां अपनाने वाले हैं, प्रदत्त कार्य गृह कार्य, और इसमें हम बच्चों को होमवर्क भी जो देंगे वो भी इसमें लिखना है कि क्या देना है या क्या दिया है होमवर्क। नंबर सात पर शिक्षण की आगामी योजना, शिक्षण की आगामी योजना के बारे में भी इसमें बताना होगा कि हमारा जो नेक्स्ट हमारा प्लान है आने वाले कल के लिए वो क्या है, उसका ब्यौरा भी यहाँ पर देना होगा। तो शिक्षण योजना का जो प्रारूप है इसमें 7 पॉइंट हैं। अब बारी आती है कि शिक्षण योजना का जो प्रारूप है वो कैसा होगा, तो दोस्तों ये इस तरह का बना हुआ होगा, इसमें ऊपर लिखा होगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय, यहाँ पर डेट डाल दी जाएगी, कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा है और उसमें समय कितना समय देना है, और फिर नीचे लर्निंग आउटकम्स लिख देंगे कि बच्चों को लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से प्राप्त कराने हैं वो यहाँ पर देंगे, प्रकरण पाठ इकाई का नाम, यहाँ पर पाठ का नाम लिख देंगे और उसमें जो प्रकरण है उसका नाम भी यहाँ पर इंगित कर देंगे, आवश्यक संसाधन यानी कि जो आप सहायक सामग्री यूज़ करेंगे पढ़ाने में बच्चों को उसका भी यहाँ पर ब्यौरा देना है, फिर बारी आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ यानी कि गतिविधियाँ, शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 मिनट, यानी कि जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले 5 मिनट में जो आप करेंगे आकलन के तरीके किस तरह से करेंगे, पढ़ाने में आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे, कोई गतिविधि कराएंगे या कोई उनसे जैसे बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं या आप कोई कुछ उन्हें पढ़कर सुनाएंगे, क्या करेंगे आप, आकलन के तरीके क्या होंगे, तो इसकी भी हम 2-3 लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर। फिर शिक्षण के दौरान 20-25 मिनट का जो अनुमानित समय है आकलन के तरीके, यहाँ पर भी हम 4-5 लाइन छोड़ देंगे इसमें, और फिर शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकलन 10 मिनट, यहाँ पर भी इसकी हम 4-5 लाइन छोड़ देंगे कि जब शिक्षण समाप्त होगा तो हम आकलन और समीकरण में क्या हमारा क्या तरीका अपनाएंगे वो यहाँ पर देना है। प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट यानी कि आप बच्चों को क्या होमवर्क दिया है, जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आपने जो पढ़ाया है उसमें आपने बच्चों को कौन सा होमवर्क दिया है उसका यहाँ पर ब्यौरा देना है। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन यानी कि शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे, यानी कि आपने पूरी अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो अनुभव किया है, जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चों ने आपको रेस्पॉन्स दिया है उस सब का यहाँ पर ब्यौरा देना है। तो ये जो शिक्षण योजना का प्रारूप है डायरी में इसके आपको लगभग 100 पेज मिलेंगे, शिक्षक डायरी भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है,
100 पेज मिलेंगे इसमें पूरे आपको उसकी। तो दोस्तों इस तरह से आपको शिक्षण योजना का प्रारूप तैयार करना है, ये कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।